हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एमए रसोई में। आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी का नाश्ता। जो हमारी रोटी रात की रोटी बच गई है, इनका हम नाश्ता बनाएंगे। पहले हम एक बर्तन लेंगे। हम बर्तन में हम 4 चम्मच बड़े बेसन डाल देंगे। हमें 4 चम्मच डालना है। आप जितना जितने लोगों का आप बनाना चाहो तो उतना डालें। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने 4 चम्मच बेसन डाल दिया। इसमें डाल देंगे हम जी अजवाइन, आधी चम्मच डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, और छोटी चम्मच से चौथाई चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, और छोटी चम्मच से चौथाई चम्मच डाल देंगे मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसका आप बेसन का एक घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और घोल बना के तैयार कर लेंगे। हमें खट्टा पानी नहीं डालना है। देखिए हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। हमें इस तरीके का घोल बनाना है, ना हमें ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा हमें पतला, हमें इस तरीके का बनाना है। अब इसमें हम डाल देंगे, हमने एक प्याज को काटा है बारीक बारीक, इसको डाल देंगे इसमें। और कुछ हमने बारीक धनिया भी काट लिए, इसको भी डाल देंगे। दो हमने हरी मिर्च को काट लिया है। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा घोल बन के तैयार हो गया है। अब हम रोटी उठाएंगे। हमने जी रोटी उठा ली है। अब इसमें जी पेस्ट अपना घोल हम चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। हम पेस्ट को अच्छी तरह से लगा लेंगे, चारों तरफ अच्छे से लग जाना चाहिए। देखिए हमने अपने घोल को सारा चारों तरफ अच्छे से रोटी में लगा लिया है। अब हम गैस पर तवा रख देंगे। हमने गैस पे तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। चारों तरफ अच्छे से तवा पे फैला लेंगे तेल को। हमारा तवा गर्म हो गया है। अब इस पे हम जो रोटी पे जो घोल लगाया था इसको डाल देंगे, रखेंगे। रोटी को इस तरीके से रख देंगे अच्छे से, और गैस की फ्लेम को कर देंगे स्लो। रोटी के इस साइड भी हमें चारों तरफ घोल को लगाना है। हमने ऊपर की तरफ भी हमने घोल को लगा लिया है। अब इस चारों तरफ हम तेल को भी डाल देंगे और वो अच्छे से हम सेंक लेंगे। देखिए हमारा हल्का सिक चुका है हमारा नाश्ता। अब हम इसे पलटा लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आप इस नाश्ते को, बचे हुए रोटी के नाश्ते को एक बार ज़रूर बनाएं, और आपके छोटे से बड़े सब पसंद करेंगे खाना। आप एक बार बना के खाओगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा। इस तरह हम दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। इस साइड भी तेल डाल देंगे ताकि अच्छे से सिक जाए। देखिए हमारा नाश्ता सिक के तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हम इसी तरह और भी नाश्ता बना लेंगे। इसी तरह हम सारे नाश्ते को सेंक लेंगे। हमने दूसरा भी हमने रख के सेंक लिया है एक साइड से और अच्छे से पका लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर बना के खाएं, और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।